सो गाइस ले आए हैं बाबुओं को हम इधर गुरुद्वारे में। सो गुरुद्वारे में मत्था टिकवाएंगे एंड हलवा जो है वो गुरुद्वारे के लिए बना रहे हैं। बैक सो भाई आज अपने दिन की शुरुआत हो रही है ऑफिस के काम से बिकॉज मेरी छुट्टी हो गई है ख़त्म एंड जो है मेरी एक हफ्ते की छुट्टी मैंने ली थी बिकॉज ऑफ बेबीज तो वो आज ख़त्म हो गई है। नाउ आई एम बैक टू माय डेली रूटीन जो कि मेरा ऑफिस है एंड जो है रात को 11 बजे तक चलता ही है ऑफिस। तो हाँ सो अभी तो काम वाम रह गया, बहुत सारा पेंडिंग हो गया यार एक हफ्ते में, अभी वो सब निपटाना है। और मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि आज पूरा दिन जो है ना बहुत बिजी जाने वाला है, बट हाँ कोई नहीं, अब करना तो है ही। आप छुट्टी ले ली तो भैया काम भी तो करना जरूरी है, काम के बिना तो क्या ही चलेगा जिंदगी। बाकी आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा नहीं रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार आप। देख अगर आपने चलाई है ना वीडियो, आप देख रहे हो ना, एक बार नीचे चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं दबाया, पता तो चले ना मेरी फैमिली कितनी बड़ी है यार। 49% लोग नहीं सब्सक्राइब करते यार मेरे चैनल को, बट देखते जरूर है। तो प्लीज़ उस 49% में मत आओ, आप लोग उसमें आओ जो सब्सक्राइब करते हैं एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। तो एक बार चेक कर लो प्लीज़, एक बार कर लिया करो प्लीज़। हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब। हाँ ये देखो ये यहाँ पे कहीं पे लाल रंग का आ रहा होगा सब्सक्राइब लिख के, उसको दबा दो और साथ में घंटी भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास घंटी बज जाए आपके फ़ोन की। अरे शिवम आ गया भाई साहब, वीडियो आ गई है। चलो गाइस अब कुछ पेट पूजा कर लेते, काम तो बहुत सारा हो गया अपना। एंड भाई ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ने ऐसे बोरी भर के काम फेंक दिया मेरे सर पे। एक हफ्ते की छुट्टी बहुत महंगी पड़ने वाली है अपने को भाई। गाइस आज नाश्ते में अपना प्याज के पराठे, मतलब प्याज की रोटी एंड अचार, बढ़िया से लग रही है ये। भाई नीचे आया गन्ने के जूस वाला, तो अपन तो जा रहे हैं गन्ने का जूस लेने, बढ़िया एकदम फ्रेश फ्रेश सा बनता है एकदम, तो मज़ा आ जाता पी के। मम्मी को भी मन कर रहा था, मोनिका भी मेरा भी, तो बस गर्मी भी हो गई है तो मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीते हैं। बुला तो लिया भैया को, देखो मस्त भाई। बाहर शहरों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है जो रामपुर में मिलती है देखने को, घर के नीचे ही गन्ने के जूस वाले भैया आ गए। भैया ने तो ये जुगाड़ वाला रिक्शा बनाया हुआ है, इसी में बैठ के घूमते हैं। भैया बढ़िया सा बना दो 3 ग्लास। राइस बन गया, मैंने तो अपने लिए ले लिया यहीं पे एंड जो है ऊपर के लिए हमने इसमें पैक करा दिया। बढ़िया फ्रेश जबरदस्त। हेलो भाई जूस टाइम, मम्मी जी जूस टाइम, गन्ने के जूस टाइम। बाबू जी सो रहे हैं बढ़िया एंड हाथ रखा हुआ है क्योंकि वीडियो में नहीं आना है इनको। चलो भाई जूस टाइम, जूस टाइम, जूस टाइम। कैसा मम्मी, फ्रेश है ना एकदम जबरदस्त, बढ़िया तो पी फिर बढ़िया। चलो भाई जूस टाइम, जूस जूस गन्ने का जूस। कौन कौन रह गया है इस कमरे में, कोई है क्या जूस पीने वाला? हावी जूस टाइम, जूस टाइम, जूस टाइम। ऐसे ही था? हाँ बहुत है, बस बस ये क्या लिख के आ रहा है भाई। मम्मी देसी स्टाइल में पी रही है गन्ने का जूस। भाई अपन बन गए मस्त जेम्स बॉन्ड मैन इन ब्लैक टाइप, क्योंकि अभी अपन जा रहे हैं मार्केट घूमने थोड़ा सा। मोनिका का मैंगो शेक पीने का मन कर रहा है तो मैंने कहा चलो लेके आते हैं एंड हम भी पी लेंगे। देखो चश्मा लगाने को मजबूर कर दिया भैया, बिल्कुल ऐसे लग रहा हूँ ना बॉडी गार्ड एकदम, ऐसे सीरियस बंदा। चलो भाई चलते हैं। आप क्या कर रही हो गेट पे? जाना है मुझे, काम है, तेरे साथ जाऊंगी। अबे चल, वैन ले जा रही है। अबे चल बैठो। मैं गेट बंद कर दूँ। क्या हाल है जिशान भैया? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, पिला दो यार नारियल पानी 3 पैक कर दो। जिशान भाई जी, कोई आया क्या उस वीडियो के बाद? हाँ दो लोग आए थे। आए थे जी। चलो बढ़िया हो गया यार ये तो। सो ऑफर अभी भी चालू है ना? बिल्कुल चालू है भैया। गाइस अभी भी ऑफर चालू है नारियल पानी पे, सो आप यहाँ आ सकते हो लवी नर्सिंग होम के सामने जिशान भाई के पास। बस भाई बस, थैंक यू। सो गाइस करा लिया पैक नारियल पानी, अब जो है
शेक जो है वो ले आते, मम्मी को छोड़ दिया था मैंने पार्लर पे, मम्मी को कुछ काम था तो पहले मम्मी को पिक कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं। गाइस करा लेते हैं पैक जूस। क्या ले भैया तुम्हारे जूस पे ना, बड़ी दूर से आता हूँ और इतना बढ़िया बनता है तुम्हारा, तो कर दो बढ़िया पैक मैंगो शेक। ओहो भैया मास गेनर में क्या फर्क है, नमक है क्या ये इसकी बॉडी का राज डब्बे की भाई देखो क्या सही बॉडी के साथ। थैंक यू भैया। अरे यार चेरी वेरी डाल, चेरी तो डाल रंग बिरंगी वाली, चेरी खत्म हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं, तो आ गया बढ़िया मैंगो शेक। इस मम्मी का ठाट देखो बस तो बैठे बैठे पी रही है मस्त एकदम जूस। भाई कैसा है, जबरदस्त मम्मी पियो ना यार, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है आपने। पियो लो, मैं पी लूंगा, आप पियो तो। हम आपको क्या चाहिए, तेजपात के पत्ते मम्मी कितनी प्यारी लग रही है यार ये बोलते हुए। क्या करना है पानी को। आज देखो घर पे बना है हलवा, क्योंकि आज है एक और रिचुअल बच्चों की। आज बच्चों को 11 दिन हो गए, तो हमारे यहाँ क्या होता है 11 दिन पे हलवा बनता है एंड मंदिर जाते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर बच्चों को लेके ताकि भगवान का आशीर्वाद ले लें। 11 दिन निकल गए अच्छे से सब, और आने वाले टाइम भी बहुत ही अच्छे से निकले, तो अभी सब रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं मंदिर फटाक से। मैं जा रहा हूँ नीचे गाड़ी निकालने, तो सब चलते हैं। सो गाइस ले आए हैं बाबुओं को हम इधर गुरुद्वारे में, सो गुरुद्वारे में मत्था टिकवाएंगे एंड हलवा जो है वो गुरुद्वारे के लिए बनाया था मम्मी ने, तो अब चलते हैं। गाड़ी पार्क कर दी मैंने, वो लोग अंदर जा चुके हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। करा दिए दर्शन बाबा जी के एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे आए हैं लोग ये दोनों, तो इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। एक मम्मी के हाथ में और एक पापा के हाथ में। चलो गाइस सब हो गए दर्शन, अब चलते हैं घर वापस। बढ़िया एकदम, हाथ देखो जरा इसके कैसे लगाए हुए इसने। बड़े बाबू जी क्या सोची सोची कर रहे हो। सो गाइस आ गए थे गुरुद्वारे से बढ़िया एकदम, और दर्शन भी खूब मस्त हो गए थे, उसके बाद बिना मिनट सब मस्त निपट गया। एंड आपको पता ही आज मेरा ऑफिस है, तो मैं जस्ट अभी फ्री हुआ ऑफिस के काम से। फिलहाल जो है अभी मैं अपने मिशन पे जा रहा हूँ, जो डेली रात को मेरा मिशन होता है। अभी तो अपने कमरे में तो सारे एक एक की पिछवाड़े पे मार मार के पटापट बजा दिए। अब जा रहा हूँ अम्मा के कमरे में, क्योंकि अम्मा के कमरे में भी होते ना अम्मा को काटते हैं। फिर अम्मा आ गया मैं हथियार लेके, बता कहाँ है, एक एक के पिछवाड़े में मारूंगा। तूने मैच लगा तो दी, रुको अब गाइस अब मारता हूँ इसमें। गाइस अम्मा के कमरे में तो मिले नहीं, बट ये बाहर बैठे हुए हैं। वही जी रहा और कहाँ है, ये साले कमरे में आते हैं। फिर गाइस हो गया मोर्चा ख़त्म, मच्छर मारने का बढ़िया है ना। अभी आ गए रूम में, अब बैठता हूँ एडिटिंग करने। टाइम आप देख लो क्या हो रहा है यार, 12 कब बज जाते हैं पूरे दिन में पता ही नहीं चलता है। फिलहाल जो है सब सो चुके हैं एंड जो है अपन भी सोने जा रहे हैं और एडिटिंग करने जा रहे हैं। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू